सो हे गाइस, आगे एक नया वीडियो एक नया टॉपिक के साथ। गाइस आज बात कर रहा हूँ एक कॉमन प्रॉब्लम को लेकर, जो कि गाइस हर बंदे के साथ होता है। क्या होता है गाइस, कभी कभी क्या होता है, आपका जो फोन है फोन को रिस्टार्ट करना पड़ता है, तो उस टाइम उस फोन का अंदर जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है, आप लोगों के पास वापस बैकअप नहीं मिल पाता है। उसके बाद क्या होता है गाइस, कभी कभी क्या होता है, आपका जो फोन है फोन को कुछ दिन यूज़ करने के बाद गाइस आप लोगों को एक्सचेंज वगैरह करना पड़ता है, तो उस टाइम क्या होता है, आपका फोन का अंदर जो भी डाटा है कुछ कुछ तो आप लोग बैकअप ले सकते हो और कुछ पर बैकअप नहीं ले पाते हो, तो उस टाइम भी आपका फोन नंबर पूरा का पूरा बैकअप नहीं आते। और भी प्रॉब्लम है गाइस, क्या होता है कभी कभी क्या होता है, आपका फोन कुछ वजह से खराब हो जाता है, डेड हो जाता है, तो उस टाइम आपका फोन का अंदर जितना भी डाटा होता है मतलब कॉन्टैक्ट नंबर है पूरा का पूरा फोन का अंदर रह जाता है, आप लोगों को कुछ भी बैकअप नहीं मिल पाता है। उसके बाद क्या होता है गाइस, कभी कभी कुछ बंदे के साथ ऐसे भी होता है फोन चोरी हो जाता है, तो उसके बाद जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर है उस फोन का अंदर रह जाता है, कुछ भी बैकअप नहीं मिल पाता है। तो गाइस आज इस वीडियो में जानने वाले कैसे आप लोग क्या ट्रिक्स यूज करके गाइस आप लोग चाहे इस जो चार में रीजन बताए कुछ भी हो जाए, आपका जो भी फोन नंबर है पूरा का पूरा बैकअप आ जाए, वो भी गाइस सिर्फ 5 मिनट का अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो है गाइस, मेरा नाम विक्रम, आप देख रहे हैं टेक 24। सो गाइस सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को इधर सर्च बार में लिख देना है गूगल कॉन्टैक्ट। तो गाइस जैसे गूगल कॉन्टैक्ट लिख के सर्च मार दोगे, आप लोगों को बस ऐसे वाला एक आइकन वाला ऐप आ जाएगा जो कि एक गूगल कॉन्टैक्ट नाम, और वो भी गाइस आप लोग देख रहे हैं जो कि गूगल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आप लोग देख रहे हैं इसमें बहुत सिक्योरिटी है। तो गाइस सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है, जो कि मेरा ओपन दिखा रहा है क्योंकि मेरा जो एप्लीकेशन है पहले से इंस्टॉल है। आप लोगों को पहली बार आप लोग इंस्टॉल कर रहे हो तो आप लोगों को इंस्टॉल में ही क्लिक कर देना है। तो उसके बाद बात करते हैं गाइस इसका जो फीचर है। गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस जो गूगल कॉन्टैक्ट है इसमें आप लोग नंबर को सेव करके रखते हो, तो चाहे गाइस आप लोग लैपटॉप डेस्कटॉप फ़ोन किसी भी डिवाइस में आप लोग आपका जो जीमेल आईडी है उसको लॉगिन करके आप लोगों को आप जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर है, गाइस आपका फ़ोन चोरी हो जाए खो जाए खराब हो जाए कुछ भी हो जाए, उस टाइम आप लोग जाके किसी भी डिवाइस में आप लोग लॉगिन करके आप लोगों को जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर है आप लोग बैकअप ले सकते हो। तो इसको यूज़ करने के लिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सिंपली क्या कर देना है, इंस्टॉल कर लेने के बाद ओपन कर लेना है, जो कि मेरा जो ऐप है पहले से इंस्टॉल है इसलिए ओपन शो कर रहे हैं। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ओपन कर देगा आप लोगों को बस ऐसे आइकॉन आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस, आप लोगों को ऐसे वाला आइकॉन देखने के लिए मिल जाता है पहली बार ओपन करने के बाद। तो सिंपली आप लोगों को राइट साइड कॉर्नर पे एक टैब देखने के लिए मिल जाता है गाइस, इधर आप लोग जैसे क्लिक कर दोगे आप लोगों को इधर ईमेल आईडी चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। इधर गाइस आप लोगों को आपका फ़ोन का अंदर जो ईमेल है गाइस उस मेल में आप लोग फ़ोन नंबर को सेव करना चाहते हो तो गाइस उस मेल को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर गाइस आप लोग दूसरी मेल को सिलेक्ट करना चाहते हो जो कि अलग तरीके से, तो सिंपली आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा ऐड द अनदर अकाउंट। तो गाइस अलग से आप लोग करना चाहते हो तो अलग आप लोगों को मेल इधर ऐड कर देना है। तो ऐड कर देने के बाद गाइस सिंपली आप लोगों को बैक कर देना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरा जो एक ईमेल सेट है, उसके बाद गाइस आप लोगों को जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को सेव रहेगा इसके अंदर आप लोगों को सामने देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर को कैसे सेव करते हैं। तो गाइस सिंपली गाइस क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर सेव करने के लिए इस कॉर्नर पे एक प्लस वाला आइकॉन देखने के लिए मिल जाता है, इस प्लस वाला आइकॉन में आप लोगों को सिंपली कर देना है क्लिक। तो जैसे क्लिक कर दोगे गाइस आप लोगों को बस आपका ईमेल आईडी आप लोगों को ऊपर दिखाई देगा किस ईमेल आईडी में आप लोग सेव कर रहे हो। उसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलता है फ़ोटो, आप लोग उस बंदा का फ़ोटो भी आप लोग ऐड कर सकते हो। उसके बाद गाइस आप लोग देखने के लिए मिलता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी का नेम। उसके बाद गाइस आप लोगों को देखने के लिए मिलता है फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि गाइस आप लोग जिस नंबर को सेव करना चाहते हो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग फ़ोन नंबर पे आप लोगों को सिंपली कर देना है क्लिक। उसके बाद क्लिक कर देने के बाद गाइस और भी ऑप्शन मिलता है इस जो गूगल कॉन्टैक्ट का अंदर आप लोग देख रहे हैं गाइस। आप लोग निक नेम भी लिख सकते हो, फाइल नेम लिख सकते हो, कंपनी का जो नेम होता है वो भी लिख सकते हो गाइस, ईमेल वगैरह लिख सकते हो, होम डिटेल्स लिख सकते हो, एड्रेस डिटेल्स लिख सकते हो। उस बंदे का गाइस कुछ भी वेबसाइट हो तो गाइस आप लोग वेबसाइट में क्लिक करके उसका वेबसाइट भी लिख सकते हो। उसका डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहते हो गाइस कि कौन सा तारीख में उसका डेट ऑफ बर्थ है वो भी आप लोग लिख सकते हो। उस बंदे के साथ आप लोगों को क्या रिलेशन है वो भी आप लोग लिख सकते हो। तो गाइस कुल मिला के इसके अंदर आप लोगों को बहुत कुछ डिटेल्स, मतलब एक बंदा का जो भी डिटेल्स होता है पर्सनल, जो कि बेसिक डिटेल्स होता है, आप लोग इधर आप लोग सेव कर सकते हो कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। उसके बाद गाइस आप लोगों को सेव कर देने के बाद क्या करना पड़ेगा, आप लोग जितना भी नंबर आप लोग मतलब जितना भी डिटेल्स आप लोगों को पूरा का पूरा फिलअप कर देने के बाद इस सेव वाला बटन में आप लोग कर देने की। तो जैसे सेव वाला बटन में आप लोग क्लिक कर दोगे
आप लोग जितना भी कॉन्टेक्ट नंबर सेव करोगे आप लोगों के पास इधर आ जाएगा देखने के लिए। जैसे आप लोग गूगल कॉन्टेक्ट को ओपन कर लोगे आप लोगों के पास पूरा का पूरा आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखना है गाइस, आप लोग जिस दिन से गाइस इस जो फीचर को यूज़ करने वाला हो गाइस, उस दिन के बाद गाइस कुछ भी हो जाए, आपका फ़ोन डेड हो जाए, ख़राब हो जाए, उसके बाद गाइस आप लोगों को बैकअप मिल जाएगा। अगर गाइस आप लोग इस ऐप को नहीं यूज़ करते तो गाइस आप लोगों को कुछ भी बैकअप नहीं मिलने वाला है। उसके बाद गाइस इसके अंदर और भी फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि गाइस आप लोग इधर से कुछ भी कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग डिलीट कर देते हो कभी, मतलब गलती से भी, तो आप लोगों को उस जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इस थ्री जो लाइन देखने के लिए मिलता है, इस थ्री लाइन में आप लोगों को सिंपली कर देना है क्लिक। क्लिक कर देने के बाद गाइस आप लोगों के पास ऐसे वाला आइकॉन आ जाएगा, जो कि आप लोग देख रहे हैं मेरा पास कितना कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी शो कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा गाइस, आप लोगों को सिंपली एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जो कि टार्स, इसमें सिंपली आप लोग कर देना है क्लिक। तो जैसे ही क्लिक कर देगा आप लोगों को जो भी आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट करते हो पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट नंबर इधर शो होने लगेगा। अगर गाइस इस कॉन्टैक्ट नंबर को आप लोग बैकअप लेना चाहते हो तो गाइस आप लोगों को राइट साइड ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है थ्री डॉट, इस थ्री डॉट में जैसे ही क्लिक कर दोगे गाइस आप लोग पार्टिकुलर आप लोग एक नंबर को रिकवर कर सकती हो, एक नंबर को डिलीट भी कर सकते हो। चाहते हो तो गाइस पूरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर को आप लोग डिलीट भी कर सकते हो और रिकवर भी कर सकते हो। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा गाइस, सिंपली आप लोग इसमें सबको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे सिलेक्ट कर दोगे गाइस जो भी आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर सिलेक्ट किया पूरा का पूरा आप लोग चाहते हो रिकवर करने के लिए, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा गाइस, ऊपर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जो कि थ्री डॉट, इस थ्री डॉट में आप लोग सिंपली कर देना है क्लिक। तो जैसे ही क्लिक कर दोगे गाइस आप लोग रिकवर करना चाहते हो तो गाइस आप लोगों को रिकवर में क्लिक कर देने, अगर गाइस आप लोग डिलीट करना चाहते हो गाइस फेवर में कर देने क्लिक। तो जैसे आप लोग डिलीट फेवर में क्लिक कर दोगे आप लोग जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग डिलीट किया मतलब टच बिन में रहा वो पूरा का पूरा आप लोगों को परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। सो गाइस जैसे आप लोग आपका फ़ोन को रिस्टार्ट करते हैं मतलब खो जाता है, ख़राब हो जाता है, दूसरी कोई हो जाता है जैसे कि चोरी हो जाता है, तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा गाइस, तुरंत आप लोगों को जिस ईमेल आईडी आप लोग इस जो ऐप है ऐप के अंदर आप लोग मतलब कनेक्ट करते हो उस ईमेल आईडी को आप लोगों को सिंपली ईमेल आईडी और पासवर्ड को लेके गाइस किसी भी डिवाइस में जाकर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, गूगल कॉन्टैक्ट लिख के आप लोगों को लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आप लोगों को जितना भी मतलब कॉन्टैक्ट नंबर है आप लोगों को मिल जाएगा। शायद आप लोग चाहते हो तो फ़ोन में जाके भी इस ऐप को इंस्टॉल करके आप लोग आपका जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर बार आप लोग बैकअप ले सकती हो। सो गाइस वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताइए गाइस, ऐसे टेक रिलेटेड नया नया इन्फॉर्मेशन और अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, क्योंकि जब भी मैं अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को नया नया अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो एवरी ईयर टेक केयर।